हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 15.8 के नए अपडेट में हमें क्रैशिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशंस के रिलेटेड। जैसे कि इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में मुझे क्रैशिंग इशू देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं अपने इंस्टाग्राम की ऐप को ओपन करता हूँ अपने iPhone 7 के ऊपर, तो मेरे को जो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली होम स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, वो ओपन नहीं होती है। तो पुराने वीडियोस में आप चेक कर सकते हो इस अपडेट का जो रिव्यू है iPhone 7 पे कैसा चल रहा है, उसमें मैंने बताया है कि ये जो क्रैशिंग इशू है इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस क्रैशिंग इशू को कैसे फिक्स कर सकते हो अपने iPhones में, जैसे कि मैंने फिक्स कर लिया है। आप अपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टाग्राम की वो क्रैशिंग इशू प्रोवाइड कर रही थी मेरे iPhone 7 पे इस नए लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। तो आप सभी देख सकते हो, सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर वर्जन अप टू डेट है 15.8 के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं आप कैसे इसे फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपने ऐप स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको परचेज के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करनी है अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन। तो जैसे यहाँ पर इंस्टा टाइप करोगे आपके सामने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन शो करेगा। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट रिक्वायर कर रही है। अगर जो एप्लीकेशन आपके डिवाइस में अपडेट मांग रही है, आपको उस एप्लीकेशन को ज़रूर अप टू डेट रखना है। जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को अप टू डेट रखा है। जो भी एप्लीकेशंस हैं जो अपडेट रिक्वायर कर रही हैं आपके iPhone 7 और 6s के ऊपर, आपको तुरंत उन्हें अपडेट कर लेना चाहिए। क्योंकि जब एप्पल रिलीज़ करता है नए नए अपडेट्स को, तो उसके लिए अपनी जो एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो अपने iPhones में, तो वो भी अपडेट मांगती है। जो जैसे कि आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट रिक्वायर कर रही है। ये शेयरइट की एप्लीकेशन भी है, स्नैपचैट की एप्लीकेशन, ये तीनों एप्लीकेशंस अपडेट रिक्वायर कर रही हैं क्योंकि नया अपडेट एप्पल ने रिलीज़ किया है और नए अपडेट के हिसाब से एप्लीकेशंस को भी अपडेट रिक्वायर करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज रखने के लिए। तो इसीलिए आपको इन एप्लीकेशंस को ज़रूर यहाँ से अप टू डेट करना है, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको क्रैशिंग इशू प्रोवाइड ना करें। जैसे कि मेरे केस में आईफोन में जो इंस्टाग्राम की ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैशिंग इशू प्रोवाइड कर रही थी, बट अब ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टेबल हो चुकी है, मैं जैसे मर्जी इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले ये काफ़ी ज़्यादा क्रैशिंग इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे, बट इस अपडेट में अब ये बिल्कुल स्टेबल हो चुकी हैं ये एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन के क्रैशिंग इशू को फिक्स कर सकते हो नए अपडेट्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।